बंद किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर की रिहाई की मांग को लेकर आज रोष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि अनुसूचित कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल के लघु सचिवालय के सामने रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अनुसूचित कांग्रेस संगठन की महिला नेता रीना वाल्मीकि ने कहा कि मौजूदा सरकार नवदीप कौर को झूठे मुकदमों में फंसा रही है, क्योंकि वह किसान व मजदूर की आवाज उठा रही थी। उन्होंने कहा कि नवदीप कौर कोई गलत काम नहीं कर रही थी। नवदीप पर 307 जैसी गंभीर धारा लगाकर जेल में बंद करना सही नहीं है। बताते चले कि नवदीप की रिहाई की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में अनुसूचित कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। बहरहाल नवदीप कौर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। नवदीप कौर पर सोनीपत में अलग अलग 3 मामलों में FIR दर्ज है और वो फिलहाल करनाल जेल में बंद है। देखना यह होगा कि ये मामला कब शांत होता है। कि हमारी नवनीत कौर बहन, जो कि एक दलित समाज की बेटी है, आज उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या एक गरीब की आवाज उठाना कोई जुल्म है? जहां मोदी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, मैं कहती हूं मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी ने जब दलितों की आवाज उठाई, एक गरीब समाज की आवाज उठाई, तो आपने उनके ऊपर एक धारा 307 लागू कर दी। मोदी जी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो बेटी इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई या वो हथियार लेकर साथ आई थी कि आपने उनके ऊपर धारा 307 लगा दी? क्या मांग करते हैं आप? हम बहन की रिहाई की मांग करते हैं कि मोदी जी आप तो बेटियों की बात करते हैं, मानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, आपकी बहन बेटी नहीं है। एक जो गरीब समाज की बेटी आज हक की मांग कर रही थी, तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप उस बेटी को रिहा करें। क्या करने आए हैं आप यहाँ? क्या करने आए? हम DC साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि वो हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपे और उनसे निवेदन है कि वो हमारी मांग जल्द माने, क्योंकि हम लोग एक बेटी के लिए न्याय मांगने आए हैं। के ऊपर 3-4 केस हैं, लेकिन मैं वही बात तो पूछना चाहती हूँ, क्या उस बेटी के पास से हथियार पाए गए हैं? देखिए पुलिस है, कोई भी मुकदमा उन्होंने बना दिया वो ठीक है, लेकिन क्या उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध हुए हैं? तो अब क्या करोगे आप? हम DC साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं रीना वाल्मीकि हूँ और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।